हाय माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ योर सुजीत। कुछ दिन के बाद ऐसे एक हिंदी वीडियो मैंने स्टार्ट किया है। इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक अच्छा एक सेफ्टी ऑफिसर या मैनेजर, आपका जो भी डिपार्टमेंट में जो आप काम करता है, तो उसके लिए मैं कोशिश करी कि आप लोगों को कुछ अच्छा बात बताने के लिए। आज की टॉपिक है, आप लोग सोच रहे हो हमेशा मलयालम में बात करता था, अभी हिंदी में क्यों है? क्योंकि कुछ लोग का जो रिक्वेस्ट मान के मैंने हिंदी में अभी स्टार्ट किया है। मेरा हिंदी टूटा फूटा है, फिर भी आप लोग समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। और कुछ मलयाली लोग हैं, उनके लिए भी ये मीटिंग है, ये ट्रेनिंग है हिंदी सीखने के लिए। कहीं पे भी जाएगा तो भी हमारे जो प्रोफेशन में हिंदी सीखना बहुत ज़रूरी है, और उनके लिए भी ये अच्छी एक मोटिवेशन है। तो हम शुरू करेंगे। मैं सबसे पहले, मेरे को एक क्वेश्चन आया, सर आपका जो लाइफ में आपने सबसे ज़्यादा क्या सीखा है? ऐसे सेफ्टी मैनेजर मैंने यही सीखा है कि आपका अंदर में बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। एक मेरा जो साइड पे था, मेरा जो प्रोफेशन स्टार्ट किया, तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, सभी को आता है। कुछ बात देख के, कुछ लोगों को बात सुन के मुझे बहुत गुस्सा आता था। ऐसे आप लोगों को भी आता होगा, प्रोफेशनल लाइफ में आता ही है ना। तब आपका जो पेशेंस का, आपका जो लिमिट, आपका कितना पेशेंस है वो और भी बढ़ाने पड़ेगा। आप कितना पोस्ट पे जाएगा, आपका जो पेशेंस का जो लेवल है, आपको आगे और बढ़ाने पड़ेगा। कोई भी बात सुन के जल्दी रिएक्शन नहीं होना है, कुछ लोग बात देख के जल्दी रिएक्शन नहीं कर रहे। ये मेरे जो लाइफ में सबसे पहले में यही सीखा है। हमारे जो प्रोफेशनल लाइफ में, आप लोगों को मैं बोलता हूँ, आप एक अच्छा एक इंजीनियर या सेफ्टी ऑफिसर या मैनेजर एडमिन का जो स्टाफ है, कहीं पे आप जो जॉब करता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें पेशेंस होना चाहिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इन फ्यूचर में एक एक बात आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।